नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू तभी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ ऋचा चन्ना। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन देखा गया है जब से विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई है तब से अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में नाराजगी भी दिखाई दे रही है। इस समय हमारे साथ कालाकोट से कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो बीजेपी का समर्थन करते हैं लेकिन पार्टी से नाराज हैं। आखिरकार वजह क्या है, इनसे जाते हैं। सर, हमने देखा है जब से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई है, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता ज्यादातर नाराज हैं क्योंकि मैंडेट जब से हुआ है, मैंडेट जब से दिया जा रहा है, टिकटों का बंटवारे के बाद से ही नाराजगी चल रही है। आज आप लोग कालाकोट से यहाँ आए हो तो आप क्यों नाराज हो? देखिए, हमारी नाराजगी इसलिए है क्योंकि भाजपा और संघ की विचारधारा को कालाकोट में हम लोगों ने बढ़ाया। हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता कालाकोट के अंदर हैं जिन्होंने भाजपा और संघ की विचारधारा को आगे बढ़ाया, और आज बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि आज कालाकोट के अंदर उन लोगों को मैंडेट दिया जा रहा है जिनकी भाजपा और संघ की विचारधारा 40 साल तक नहीं रही। इन लोगों ने कालाकोट में संघ और विचारधारा, संघ और भाजपा की विचारधारा को ऐसे दबाया कि कोई भी स्ट्रांग वर्कर अगर भाजपा के एजेंडे को लेकर आगे चलता, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं चला और मेरे ऊपर इस तरह के झूठे आरोप लगाए गए, मुझे आतंकवाद में शामिल किया गया, मुझे ड्रग पेडलिंग में इन्वॉल्व किया और हमारी इतनी हरसमेंट की गई कि लोकल पुलिस तो सब जानती थी, इवन कि आउट ऑफ द प्रीमाइसिस बाहर की पुलिस वहां पे रात के 12-12 बजे हमारे घर में विदाउट एनी सर्च वारंट हमारा हरासमेंट किया गया और हमें ये कहा गया कि एमनेशन और आतंकवादी कहाँ छुपा रहे थे। हमें वो चीजें फेस की और हमने की, कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कहा कि जब हमारा वक्त आएगा तो हम देख लेंगे। और बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है आज माननीय अध्यक्ष जी रविंदर रैना जी आज उन्हीं लोगों को कालाकोट के अंदर मैंडेट दे रहे हैं जिनकी तो उनके खून में ही भाजपा की विचारधारा तक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग शामिल हुए हैं राजनीतिक पार्टियां छोड़कर अपनी, अब उनको मैंडेट दिया जा रहा है बजाय इसकी कि जो लोकल नेता है उनको इग्नोर किया जा रहा है। एक्चुअली लोकल नहीं, नेता तो बहुत लोकल है। बीजेपी की मैं बता रहा हूँ कि जो लोग 30 साल से 40 साल से वहां पे काम कर रहे थे उनको आज एक छोटा सा जो बीडीसी या डीडीसी का मैंडेट भी नहीं कभी दिया गया। मैं आपको एग्जांपल भी दे के ऐसे कार्यकर्ता वहां पे बता सकता हूँ, लीडर बता सकता हूँ जो 30-40 साल तक भाजपा के लिए काम करते रहे लेकिन उनको कभी भी किसी ने पार्टी का कोई मैंडेट नहीं दिया। और मात्र ये अपना इलीगल एम्पायर बचाने के लिए कोविड-19 के तुरंत बाद और आर्टिकल 370 और 35A के बाद जब कश्मीर के नेताओं को जेलों में डाला गया, रेड्स पड़ने लगी CBI और NIA की, इन लोगों ने अपना राजनीतिक लाभ देखते हुए नेशन कॉन्फ्रेंस से क्विट हो गए, भाजपा आए और आज भाजपा के सारे सिस्टम को अपनी फाइनेंशियल और मस्कुलर पावर के कारण सारे को हाईजैक कर दिया है। एक्चुअली हमारा यही सीधी सी पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल दिया है कि हमारी अब जो ये डिमांड है, हमारी जो अब हम अपनी बात रखना चाहते हैं, ये हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है, हम अपनी बात वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा जी तक अपनी बात रखना चाहते हैं कि यहाँ एक जगह पे ये कहा जाता है सेंट्रिक पॉलिटिक्स में कि वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति नहीं करनी है, और आज उन्हीं लोगों को मैंडेट दिया जा रहा है जो एक एक परिवार में से सारी पार्टियों के मैंडेट लेके आ रहे हैं। आपने बात रखी है आपकी जमानत इधर इधर नहीं, क्या आप पार्टी छोड़ेंगे या किस तरीके से, या क्योंकि मैंडेट तो दे दिया आपने, इलेक्शन आने वाले हैं तो आपको मैंडेट वापस नहीं हो सकता। मैं कोई किस तरीके से नाराज छोड़ दिया, मैं कोई पार्टी का मेंबर या कुछ ऐसा वैसा कुछ नहीं हूँ। हम बीजेपी के लोग हैं, सभी लोग बीजेपी को समर्थन देने वाले हैं, क्योंकि जो आज बीजेपी की जो विचारधारा है वो ऐसे लग रही है कि जैसे ये कांग्रेस की विचारधारा हो गई, लगभग ऐसे नजर आ रही है। बीजेपी लग ही नहीं रही, कभी कोई कांग्रेस से आ जाता है, कोई NCC से आ जाता है, कोई कहीं से आ जाता है, और उसके पास पैसा है और वो पैसे से कुछ भी कर सकता है, टिकट ले सकता है। और जो कितने कितने साल के जो स्वयंसेवक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको ना देखा जा रहा है, ना उनको पूछा जा रहा है, ना उनको बैठने में बुलाया जाता है। किस लिए? ताकि उनको साइडलाइन करके और उन विचारधाराओं को, उन चीजों को लाकर
जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ है, सरमाया है, तो उनको ही आगे लाना है। तो फिर फर्क क्या हुआ भाजपा और बाकी में, क्या फर्क हुआ? देखिए बीजेपी का साथ इस बार नहीं, हम बिल्कुल नहीं। स्पेशली मैं बात करूं, हम नहीं देंगे। स्पेशली मैं बात करूं कि कालाकोट में हम कैंडिडेट को देखते हुए भाजपा का साथ, भाजपा का साथ इस बार नहीं देंगे। देखिए कालाकोट से आए हैं और बीजेपी के समर्थक हैं फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से वहां पर ठाकुर रणधीर सिंह को वहां पर मैंडेट दिया गया है, हालांकि सब जानते हैं कि ठाकुर रणधीर सिंह पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता रहे हैं, उन्होंने बाद में बीजेपी को ज्वाइन किया था, लेकिन अब ये लोग नाराज हैं उन्हें मैंडेट देने से, ये चाहते हैं। लेकिन फिलहाल अब इनका ये भी मानना है कि अब क्योंकि मैंडेट उनको दिया जा चुका है, इसीलिए अब इस बार इलेक्शन में ये बीजेपी का साथ नहीं देंगे। कैमरा मैन सुनील सारी तरह जम्मू कश्मीर।